यहाँ क्या हो गया भाई, इतनी पब्लिक, ये क्यों रुके? शायद आगे लेन थ्रेड हो चुका है, ऊपर से लेन थ्रेड हो चुकी है नीचे, तो साफ सफाई कर रहे। देखो चलो, हम बाइक वाले जनाब, हम कहीं से भी निकल जाते हैं। तो यही फायदा है बाइक होने का, हम लोग निकल जाते हैं कहीं से भी। देखो कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, मतलब देखो सब एक के पीछे खड़े हुए हैं। पर यही है कि ऐसा अगर रहेंगे तो खुद के लिए अच्छी बात है, सेफ्टी है। ये जगह जगह पे लेन स्लाइड हुआ है यहाँ पर, ये बारिश के कारण ही हो रहा है सब। तो कुछ नहीं, ऐसा अगर लगे कि ऊपर से कुछ मतलब गिर रहा है, थोड़े थोड़े पहले थोड़े थोड़े पत्थर गिरते हैं, तो उस टाइम में सावधान हो जाओ, या तो वहाँ से फटाफट निकल जाओ या फिर रुक जाओ। तो अभी श्रीनगर से थोड़ा सा आगे आए थे और पानी कुछ ज़्यादा हो गया धारी देवी टेम्पल के पास, और खाने के लिए बैठ गए ढाबे में और पानी बाहर ज़्यादा हो गया इसलिए रुक गए, और खाना वाना खाएंगे और यहाँ से थोड़ा पानी कम होगा उसके बाद निकलते हैं। गाड़ी वगैरह बाहर खड़ी है, एक बार गाड़ी देख लो आप लोग। ये खड़ी है दोनों गाड़ी, ये खड़ी है पैंथर और ये ड्यूक खड़ी है वेदांत की, और ये रास्ते से आए। मतलब पानी ठीक है, इतना ही गिर रहा है, कब से हम कवर कर रहे थे थोड़ी देर से, लेकिन अब ज़्यादा हो गया इसलिए ढाबे में रुक गए हैं। अब खाना खाएंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो ये खाना आया हुआ है, फुल देसी खाना है, सब्जी है, दाल है और सैलेड है और रोटी। भैया रोटी कितनी, चार मिलेगी? चावल भी मिलेगी? ठीक है, तो अभी चावल भी आने वाले हैं और बस ये खाना खाते हैं यहाँ पर, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो इसका ये जो बैग था फिर से ज़रा ढीला हो गया था, और अभी ये लोग इसको टाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे ढाबे पे हम लोगों ने खाना खा लिया है और गाड़ी वगैरह पूरी रेडी है, और एक बार मौसम देख लो। तो गाइस ये हालत है अभी यहाँ की, देखो ये लैंड स्लाइड वगैरह हुए हैं यहाँ पर, ये ऊपर से पत्थर वगैरह गिरे हैं, और ट्रैफिक एक बार आप देख लो कि कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए लाइन लगी, देखो यहाँ से ये लाइन वहाँ तक लगी, और उसके आगे जो ये दिख रहा है ना, वो दिखाता हूँ मैं इधर से, देखो कहाँ तक लाइन लगी है, ये यहाँ तक लाइन लगी, इसके भी आगे और लगी लाइन यहाँ तक। तो अभी ये कुछ सीन है, अपन तो निकला है, अपन बाइक वाले हैं, और इधर भी लगी है इतनी लाइन, इधर भी लंबी लगी है, और बाकी हमारा बैग भी बार बार परेशान कर रहा है, बार बार खुल जा रहा है, और उधर वाला तो कोई दिक्कत नहीं अपने में। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो पानी फिर से बंद हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ वीडियो की ओपनिंग कर रहा हूँ, और रास्ते की जो हालत थी ना, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत डेंजर थी, मतलब शूट नहीं किया मैंने क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था, और इतनी हद वाली लेंथ राइडिंग हो रखी है रास्ते भर में, बहुत ज़्यादा। आपकी यात्रा मंगलमय हो रुद्रप्रयाग, बस ये पढ़ के ही दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रप्रयाग वालों को, और हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत एडवेंचर, मतलब हद वाला एडवेंचर है, बहुत रिस्की काम हो गया है। अभी तो ये अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, जैसे अच्छी वीडियोस है ना, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो आई ना बहुत हालत ख़राब कर देने वाली थी, मतलब बहुत बुरी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत परेशान हो गए थे। और ये भाई लोग कैसा क्या रहा रास्ता, वो जो लेंथ राइडिंग वाला था फट गई थी, फट गई थी, बहुत भयंकर वाला था ना,
डर भी लग रहा था पर और पानी गिरा था तो शूट भी नहीं किया मैंने। बहुत बुरी हालत थी। पर हाँ वो तो है। ये और तुम लोग दो है ना, इसका बैग की हालत इतनी बुरी है कि हमको रूम लेना ही पड़ेगा, रूम लेके उसको सुखाना ही पड़ेगा कपड़ों को। और बाकी अभी तो बहुत प्यारा नज़ारा आ गया है। ये है कैमरे की दुनिया और पीछे थी कैमरे की पीछे की दुनिया। चले निकले, जय श्री महाकाल। रेनकोट वगैरह पहना है, जूते तो पूरे गीले हो चुके हैं नीचे से। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। रियलिटी यही है कि गर्मी में आओ बहुत अच्छा रहेगा, बारिश में अगर एडवेंचर करना हो और रिस्क लेना हो तो आना, वरना गर्मी सही सीज़न है आने का यहाँ पर। क्योंकि मैं जब गर्मी में आया था ना तो इतना प्यारा रास्ता था, मतलब रास्ता तो अभी उतना ही प्यारा, लेकिन इतनी लेंथ राइडिंग नहीं मिली मुझे। बीच में जो रोड जो बन रहा है ना उसकी हालत इतनी बुरी थी, बहुत गंदी वाली थी। और केदारनाथ तो ये रास्ता है, यहाँ से जाएगा गुप्त काशी, गौरीकुंड, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ऊपर का रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता जाता है ऊपर बद्रीनाथ। चलो केदारनाथ, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बजरंगबली, और ये वही रास्ता है इधर से मैंने स्टार्टिंग की थी। अब भाई और मजा आने वाला रास्ते में, सिंगल रास्ता हो जाएगा अब। हाँ तो अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि केदारनाथ में थोड़ा सा लैंड स्लाइड वगैरह ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे दर्शन मेरे भाई। बात ये हो रही है कि लैंड स्लाइड इधर ज़्यादा हो रही है केदारनाथ में, तो जो भैया लोग बोल रहे थे कि देख लेना, बोले तुम लोग राइडर हो तुम लोग निकल। नमस्ते भैया, कहाँ से आ रहे हो? यूपी से। अच्छा कहाँ जा रहे हो? केदारनाथ, सिर्फ केदारनाथ? केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों, बढ़िया। अच्छा स्लीपिंग बैग टेंट वगैरह है, टेंट लगाते हो? कहीं कहीं लगाना पड़ जाता है। हाँ वहाँ रुक जाते। चलो बढ़िया, कब निकले थे आप? आज नौवा दिन है। यूपी से निकले थे, कौन से गांव से? बारा मंदिर। ओके चलो बढ़िया, मिलते है ना, हर हर महादेव। भैया साइकिल से आए यूपी, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो वो नहीं हार मान रहे तो हम लोग कैसे मान सकते हैं। एक छोटा सा नमूना है देख सकते हो सामने, तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का। ये दो पत्थर अड्डे से ही अभी गिरे हैं। तो केदारनाथ यहाँ से स्टेट है, अगस्त मुनि भी स्टेट है, और जो टिहरी है वो यहाँ से 85 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट, और बाकी तो बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरती तो भर भर के भाई। और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने पेश करने वाले हैं हम, वो कुछ इस प्रकार है। 1, 2 and 3 जय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद हमें इतना प्रोत्साहन देने के लिए। सिल्ली गांव में है हम लोग अभी, और कुछ ही देर का सफर, उसके बाद में हम लोग पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। तो गाइस व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत। तो ये रास्ता नीचे जा रहा है और एक रास्ता जा रहा है ऊपर साइड, तो ये लगेगा नहीं केदारनाथ जा रहा है लेकिन यही जा रहा है, क्योंकि वहां पे लिखा देखो श्री केदारनाथ ऊपर साइड से। तो बस हम लोग भी इधर ऊपर साइड से निकलेंगे, क्योंकि वह छोटा रास्ता है और यहाँ से अब रास्ता बस ऐसा छोटा ही रह जाएगा, मतलब छोटा छोटा ही निकलेगा यहाँ से रास्ता। ठीक है, तो यहाँ से जो रोड मुड़ाना अब ये होगा सिंगल,
ये रास्ता पूरा सिंगल हो चुका है यहाँ से, और यहाँ पे और भी केयरफुल चलाना पड़ेगा हमें गाड़ी। कोई दिक्कत नहीं, नीचे माता जी जा रही है, गंगा मैया अलकनंदा। अभी तो रास्ता ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ऊपर पूरा कोहरा हो गया है ना, फोग, वो देखो इधर सारी जगह पे फोग हो गया है, तो हो सकता है कि रोड पे सारा फोग आ जाए, तो उसके लिए अपने पास फोग लाइट्स है और इंडिकेटर वगैरह भी अपन ने चारों चालू करवा रखे, तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ओह शिट, ये देखो ऐसे नीचे रोड नीचे टूटा हुआ है। सामने देखो, पीछे मत देखो, सामने देखो, सामने जो छूटता है उसे छूटने दो। और फिर से आप देख सकते हो, और फिर से यहाँ पर लगा है ट्रैफिक, आई गेस लैंडस्लाइडिंग ही हुई होगी आगे, क्योंकि बहुत लंबी लगी हुई लाइन, देखते हैं क्या चीज़ है। फिर जब एक गाड़ी रुकती है ना, तो सभी उसके पीछे 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 रुक जाती है, सब साइड से जाते हैं, बाइक होने का ही फायदा कि अपन साइड से निकल जाते हैं, और छोटी मोटी लैंडस्लाइड में हम लोगों को निकाल देते हैं आगे। क्या हुआ, लेंस लाइट ही हुआ, गाड़ी आ रही मतलब जा भी सकती है, तो हम बस इसी चीज़ का फायदा उठाएंगे, हमारी बाइक होने का, हमारी पैंथर होने का। और साइड साइड से निकल जाएंगे, देखो कितना लंबा लाइन लगा यार। और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी और ठंड चालू हो जाएगी। अब शिट शिट शिट, आपने वीडियो बनी था यार, वीडियो बन था, अभी ना एक ट्रेवलर नीचे गिरी हुई थी, अरे यार वो शूट नहीं हो पाया यार, वरना बहुत मतलब पूरी क्लिप बहुत अच्छे से थी, और मैं बोल भी रहा था लेकिन मुझे पता नहीं कि केदारनाथ 54 किलोमीटर अभी चाहिए यहाँ से। हाँ केदारनाथ लेफ्ट साइड है, और इधर है महादी महेश, यस सर। तो ये देखो ब्रिज, और इसके थ्रू हम लोग आगे जाएंगे, और ये वही रास्ता शायद आप लोगों ने देखा होगा और आपको याद होगा कि यही रास्ता था, यहीं से मैं गया था, और यहाँ से मैंने जो सेकेंड दो एपिसोड बनाया था, सेकेंड एपिसोड यहाँ से चालू किया था मैंने। क्या बात है, इसको मुझे उसमें करना पड़ेगा, इसके दो एपिसोड बनाना पड़ेंगे, एक एपिसोड में होने पाएगा ये, मुझे दो एपिसोड बनाना पड़ेंगे इसके। पहले तो ट्रैफिक, दूसरा रोड टेढ़ा मेढ़ा है, ये लोग कहाँ रहे, आ रहे। देखो मैं अकेला तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कहीं भी निकाल लूँ, कहीं से भी चले जाओ, बट जो दो लोग हैं ना मेरे साथ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, और इसलिए मैं थोड़ा उनको लेके चल रहा हूँ। ऑफ रोडिंग, फुल ऑफ रोडिंग रास्ता मिलने वाला है ये, ठीक है। तो अभी पेट्रोल पंप पर रुक के थोड़ी देर रेस्ट ले लिया है, और पूरा एडवेंचर ही एडवेंचर है, आप देख ही सकते हो, ये पूरा रोड गीला है, भोलेनाथ। तो मैं रोड ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी रोड ही देखो, अभी देखो सामने से गाड़ी आ रही है ऊपर से,